केदारनाथ, रिटन डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस बाय अभिषेक कपूर, जो इसके पहले आर्यन, रॉक ऑन और फितूर जैसी फिल्म्स को डायरेक्ट कर चुके हैं। अब इस फिल्म के बारे में विकिपीडिया पर क्या लिखा है, देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इट टेल्स अ इंटरफेथ लव स्टोरी बिटवीन अ वेल्दी हिंदू गर्ल हुज फैमिली ओन्स अ लॉज एंड शॉप्स नियर हिस्टोरिक केदारनाथ टेम्पल इन द उत्तराखंड माउंटेन्स एंड अ हम्बल मुस्लिम बॉय हु इज अ पिट्ठू वर्कर इन द सेम वेसिनिटी। एक वेल्दी हिंदू गर्ल और एक हम्बल मुस्लिम बॉय, इनके बीच की ये लव स्टोरी है, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है विकिपीडिया पर। आज मैं कुछ भी मैटर लिखकर नहीं बैठा हूँ, मैं हर बार कोई भी रिव्यू बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेता हूँ कि आपको क्या क्या बताना है, लेकिन आज मैंने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया। भाई जब फिल्म बनाने वालों ने ही फिल्म की कहानी लिखने पर कोई मेहनत नहीं की है, जो मन में आया वो उन्होंने दिखा दिया है बिना सर पैर की सारी बातें, तो फिर हम काय को इस फिल्म को इतना समय दे। ये फिल्म हमारा समय डिजर्व ही नहीं करती। अगर एक लाइन में मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताऊं तो वही एक फिर से टिपिकल सी फुद्दू सी बॉलीवुड की लव स्टोरी, और उसमें डाल दिया उन्होंने फिर थोड़ा सा भगवा आतंकवाद का टच दे दिया, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल दिया कि भाई हिंदू कितने स्वार्थी होते हैं, कितने निर्दयी होते हैं, कितने असहिष्णु होते हैं, कितने इंटॉलरेंट होते हैं, ऐसा थोड़ा सा टच उन्होंने दे दिया स्टोरी को। और इसके साथ में ही जो 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी केदारनाथ में, इतने संवेदनशील मुद्दे को एक बहुत ही संवेदनहीन तरीके से फिल्म में उन्होंने दिखा दिया और हो गई फिल्म तैयार, केदारनाथ। जब आपके पास में कोई क्रिएटिविटी ही नहीं हो कुछ बनाने की, तो आप ऐसा ही करेंगे ना, वही सदियों पुरानी घिसी पिटी सी फुद्दू सी लव स्टोरी। एक लड़का एक लड़की मिलते हैं, देखते ही उनको अचानक से उनके मन में घंटियां बजने लगती है, अचानक से उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, पता नहीं क्यों, इसका रीज़न तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, देखते ही उनमें हो जाता है प्यार। फिर परिवार वाले विरोध करते हैं और एंडिंग में जाकर या तो फिर परिवार वाले मान जाते हैं या फिर ये दोनों खुदकुशी कर लेते हैं। हर फिल्म में यही होता है, कोई भी लव स्टोरी उठाकर देख लो, थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर होता है। इसमें भी ऐसे ही थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर करके उन्होंने फिल्म बना दी है केदारनाथ। विकिपीडिया पर इस फिल्म को रोमांटिक ड्रामा डिजास्टर फिल्म कहा गया है। वैसे फिल्म में ये रोमांस कहा था, मुझे तो कहीं पर दिखा नहीं। जो फर्स्ट आप है उसमें लीड कैरेक्टर्स के बीच में इस रिलेशनशिप को डेवलप करने की बजाय ज़्यादा समय इसी पर उन्होंने दिया है कि भाई हिंदू कितने संकुचित विचार वाले होते हैं, वो पर्यावरण की उन्हें कोई चिंता ही नहीं होती। और उसी जगह पर जो हम्बल मुस्लिम बॉय है मंसूर, ये विकिपीडिया पर लिखा है, उसे पर्यावरण की बहुत चिंता है, वो बहुत समझदार है, लेकिन ये जो नासमझ वहाँ के जो लोग हैं हिंदू समाज, वो बस पर्यावरण को, उस खूबसूरती को केदारनाथ की नष्ट करना चाहते हैं। इसी पर पूरा का पूरा फोकस था फर्स्ट हाफ का। मैंने सोचा था फिल्म देखने से पहले कि यार शायद फर्स्ट हाफ में ही वो बाढ़ का कुछ हो जाएगा, बाढ़ आने की वो दिखा दिया जाएगा और उसके बाद में सेकंड हाफ में आगे क्या होता है ये शायद दिखाया जाएगा, पर नहीं। जिस ट्रेलर में उन्होंने इस बाढ़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया था बस दिखाने के लिए, देखो हमने कितना बढ़िया VFX किया है, वो बस फिल्म के आखिरी 10 मिनट में उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। और उन 10 मिनटों में भी कुछ थोड़े से समय पर ही वो VFX कुछ दिखाए गए हैं बाढ़ के, बाकी पूरी फिल्म में उनका यही चल रहा है। फर्स्ट हाफ में बस इस रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए दोनों देखते हैं एक दूसरे को, प्यार हो जाता है, फिर ये कौन लड़की, क्या नाम था यार इस लड़की का, एक मिनट, नाम भी बड़ा अजीब सा नाम दिया है उसका, मुक्कू। तो ये मुक्कू मंसूर के पीछे पड़ी रहती है फर्स्ट हाफ में, और वो उसके पीछे या फिर उसके खच्चर पर बैठकर ऊपर नीचे ऐसा एक सॉन्ग में करते रहते हैं, और एक सॉन्ग में ही हो गई उनकी रिलेशनशिप डेवलप। इसके अलावा कुछ भी उन्होंने नहीं किया, और देखते देखते इंटरवल हो भी जाता है, पता ही नहीं चलता इंटरवल कैसे हो गया। और फिर सेकंड हाफ में पता नहीं वो फिर से वही उनका चालू हो जाता है। इस रिलेशनशिप को डेवलप करने पर उनका कहीं पर भी फोकस ही नहीं था, और फिर भी वो इसको रोमांटिक फिल्म कह रहे हैं। पूरी फिल्म में बार बार यही दिखाने की कोशिश की गई है कि हिंदू समाज के मन में मुस्लिम समाज के लिए कितनी ज़्यादा नफरत है, वो कितना नफरत करते हैं मुस्लिम समाज से,
पता नहीं बॉलीवुड को ये नफरत फैलाकर क्या मिलता है? क्या बॉलीवुड देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहता है? क्यों बार बार मुस्लिम समाज को वो डराने की कोशिश करता है कि देखो आपको हिंदुओं से कितना ज़्यादा खतरा है? आखिर ये दिखाकर क्या मिल जाता है आप सबको, बताओ? जो भी ऐसे फिल्में बनाते हैं, ये नफरत दिखाकर क्या मिलता है? आप इसको रोमांटिक फिल्म करके प्रमोट करते हो और फिल्म में आप क्या दिखा रहे हो? बार 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 बस एक ही चीज़ कि कैसे नारे लगाकर लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, कैसे एक जो यात्री है वो एक मुस्लिम पिट्ठू के पीठ के पीछे बैठने को मना कर रहे हैं, या तो फिर दूसरे कई सारे सीन्स में बस कितनी घृणा कर कितने नफरत करते हैं हिंदू मुसलमानों से, ये दिखाने की कोशिश। भाई कहाँ दिखती है आपको समाज में इतनी नफरत? सब इतना भाईचारे से रह रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड को पता नहीं इतनी नफरत कहाँ से दिख जाती है। फिल्म में एक सीन है जहाँ पर ये जो मंसूर नाम का कैरेक्टर है, मुझे सच में कैरेक्टर वो पसंद आया, क्योंकि भाई जो इतना सेक्युलर कैरेक्टर दिखाया है मंसूर का, अच्छी बात है, मैं तो स्वागत करता हूँ। तो ये जो मंसूर का कैरेक्टर है, वो मंदिर में जब भी दर्शनार्थियों को वहाँ पर लाइट चली गई, चली आ गई लाइट, अभी जो मंसूर नाम का कैरेक्टर है, ये जब भी दर्शनार्थियों को मंदिर में छोड़ता है तो उनके साथ में सेल्फी लेता है, भगवान को धन्यवाद करने के लिए वहाँ पर वो घंटा बजाता है, भगवान के नाम का जप करता है, ओम नमः शिवाय नाम का वो जप करता है, और मुझे पर्सनली ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया। लेकिन फिल्म में ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि भाई देखो हिंदू कितने नफरत करते हैं मुस्लिम से, खास करके एक जो कुल्लू नाम का कैरेक्टर है उसके जो साथी है उनको तो बस हैवान राक्षस की तरह फिल्म में दिखाया है। इस कैरेक्टर को इस बात से तकलीफ है कि भाई मुस्लिम मंदिर में नहीं आने चाहिए, उनको घंटा नहीं बजाना चाहिए। पर्सनली अगर मैं आपको मुझे जो दिख रहा है समाज में अगर बताऊं, तो एक सिंगल हिंदू भी आपको देश में ऐसा नहीं मिलेगा जिसे कोई प्रॉब्लम हो मुस्लिम भाइयों के मंदिर में आने से। किसने, कोई भी मना कर ही नहीं सकता भाई। हम तो उल्टा खुश होंगे अगर कोई मुस्लिम भाई आएगा मंदिर में, भगवान के नाम का जप करेगा, आरती करेगा, घंटा बजाएगा, भारत माता की जय अगर वो कहे, वंदे मातरम कहे, तो किससे प्रॉब्लम है भाई? हम तो खुशी खुशी स्वागत करने के लिए नहीं करेंगे, करते हैं सब। किसी के मन में कोई नफरत नहीं है। ये जानबूझकर नफरत फैलाना ना आप लोग बंद कर दो प्लीज। कोई भी इस बात को मना कर ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। और ये जो बार 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 नफरत दिखाना, यार मैं आजकल जब भी किसी फिल्म का विषय हो ना हिंदू मुस्लिम, परेशान हो जाता हूँ, देखने की इच्छा ही नहीं होती। भाई हम समझ में आ गया हमको कि भाई इस देश का हिंदू इंटॉलरेंट है, वो नफरत फैलाता है, वो दूसरे समाजों को दबाकर कुचल कर रखने की कोशिश करता है, यही बार बार दिखाते हो ना यार। देख लिए हम, हजार बार देख चुके हैं ये सारी बातें, अब बस करो यार, कुछ तो शर्म कर लो। ये सब बातें दिखाने, बार बार वही बातें आप दिखा रहे हो, भले ही समाज में कितना भी प्यार मोहब्बत क्यों ना हो, लेकिन ये दिखाएंगे उल्टा ही, नफरत फैलाने के लिए, मुस्लिम भाइयों को डराने के लिए हिंदुओं से। क्या मिलता है ये सब करके? अब देखो मुल्क, एक मिनट, लखनऊ में सैफुल्ला नाम के एक आतंकवादी का एनकाउंटर किया गया था, जिसके बाद में उसके पिताजी ने, उसके घर वालों ने उस आतंकवादी के शव को लेने से मना कर दिया। अब देखिए इस घटना के बाद में पूरे देश ने सैफुल्ला के पिताजी का, उनके परिवार का सम्मान किया। सोशल मीडिया से, मीडिया चैनल्स के द्वारा सब ने उनका सम्मान किया, स्वागत किया कि देखो कितना अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। लेकिन मुल्क में क्या दिखाया गया कि भाई ये सेम कहानी लगभग मुल्क में भी दिखाई गई थी, लेकिन उसमें ये दिखाया गया कि भाई देखो वहाँ के जो रहने वाले हिंदू है या जो भी देश का हिंदू समाज है वो राक्षस की तरह है, बहुत निर्दयी है, बहुत असहिष्णु है। ऋषि कपूर जी का जो कैरेक्टर है वो इस शव को लेने से मना कर देता है उस फिल्म में भी, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो फिर भी उनसे नफरत करते हैं, उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। हालांकि सच्चाई तो हमें कुछ और ही दिखाई देती है। पूरे देश ने सैफुल्ला, जो रियल घटना है लखनऊ की ही, उनके पिताजी का स्वागत किया था। तो जब देश में इतना प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है, तो आखिर क्यों बॉलीवुड ये नफरत फैलाना चाहता है, ये भाईचारा वो क्यों तोड़ना चाहता है ऐसी फिल्में बार बार बनाकर? क्यों बार बार वो मुस्लिम समाज को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हिंदू बहुत निर्दयी है, वो आपको दबा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आपसे नफरत करते हैं, ये दिखाकर क्या मिल जाएगा आपको? आप सैकड़ों सालों से देख लीजिए, इस देश ने
पूरी दुनिया के अलग अलग मत पंथ संप्रदायों को सबको यहाँ पर शरण दी है, सबका स्वागत किया है, उन्हें आत्मसात किया है अपनी संस्कृति में। फिर भी मुगलों के समय अनगिनत हत्याएं हुई धर्म परिवर्तन के लिए, मंदिर लाखों तोड़े गए। जब भारत का पार्टीशन हुआ उस समय भी कई सारी भारतवासियों की हत्या हुई उस पार्टीशन के समय। 1990 में कश्मीर में क्या हुआ सभी जानते हैं। इतना सारा ये जो बहुत ही गुलामी का इतिहास है या जो बहुत ही दर्दनाक इतिहास है, उसके बावजूद भी देश में भाईचारा है, सब प्यार से रह रहे हैं। तो ये प्यार मोहब्बत क्यों तोड़ना चाहता है बॉलीवुड? आज भी देखिए, जब भी कोई बाढ़ आती है, आपदा आती है, तो हर बार न्यूज़ आती है कि कई सारे मंदिरों ने अपने दरवाजे खोल दिए मुस्लिम भाई को नमाज पढ़ने के लिए, जगह देने के लिए। तो ये जो प्यार है, सब अच्छे से हो रहा है, तो ये नफरत बार बार क्यों फैला रहा है बॉलीवुड? अब अगर कोई कहे कि भाई केवल पॉजिटिव बातों को ही फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, निगेटिव बातें भी दिखाई जाती है, मैं मानता हूँ कि भाई केवल पॉजिटिव पॉजिटिव ही नहीं दिखाना चाहिए, केवल भाईचारा है यही दिखाना नहीं चाहिए, कुछ निगेटिव भी दिखाना चाहिए, चलो मान लिया हमने। लेकिन ये निगेटिव बातें दिखाते समय बॉलीवुड केवल वन साइडेड निगेटिव बातें ही क्यों दिखाता है? किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन बॉलीवुड को या जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है, उनको केवल दादरी जैसी एक घटना ही क्यों दिखती है? उसके बाद में डॉक्टर नारंग के साथ दिल्ली में क्या हुआ, अंकित के साथ में क्या हुआ, बंगाल में मालदा धूलागढ़ में जो दंगे हुए, वहाँ से जो हिंदुओं का पलायन हुआ, उनके साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, केरला में क्या हो रहा है, ये सारी अनगिनत ऐसी निगेटिव बातें छोड़कर केवल किसी एक घटना को दादरी जैसी या और ऐसी एकाध घटना को आप सामने रखकर देश में नफरत फैला रहे हो, क्या ये सही है? क्या निगेटिव बातें, एक प्रकार की ही निगेटिव बातें बार 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 दिखाकर ये जो अराजकता का माहौल आप लोग पैदा कर रहे हो देश में, ये कितना भयानक है आप लोग समझ रहे हो? बहुत बहुत ज़्यादा शर्मनाक है ये, एक ही प्रकार की निगेटिव बातें दिखा आप। भाई हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, और ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश में आप ये तो जहर घोल रहे हो ना, अच्छी बात नहीं है ये। एक और घटना मुझे याद आती है, देखिए अभी 1.5 साल पहले की घटना है, 1.5 पौने 2 साल पहले की घटना होगी, जुनैद के साथ में ट्रेन में हादसा हुआ था, आपको याद होगा। बहुत ही मतलब जिस उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, किसी की भी साथ में हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन वो घटना एक सीट के ऊपर से झगड़ा हुआ था, ऐसी घटनाएं देश में और भी उस दिन कई सारी जगह हुई होंगी। लेकिन ये जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है, उन्होंने उस घटना में भी धर्म खोज लिया, उसमें भी उनको धर्म दिख गया। एक सीट के ऊपर से हुई झगड़े हुए झगड़े को उन्होंने बीफ का, गोमांस का मुद्दा बना दिया, हालांकि उसमें कोई ऐसा इशू था ही नहीं, एक सीट के ऊपर से हुआ झगड़ा था, उसको इस देश की लिबरल मीडिया ने बीफ के ऊपर हुआ झगड़ा बताकर देश में नफरत फैलाई। दूसरे ही दिन बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज, कई सारे ये जो लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो दिल्ली में नॉट इन माई नेम का झंडा लेकर खड़े हो गए, भगवा आतंकवाद की बातें पूरे देश में फैलाई गई, नफरत फैलाई गई। उसके कुछ समय के बाद में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक इसके ऊपर उनका फैसला आता है, उसमें उस स्टेटमेंट में कहा जाता है कि इसमें कोई धार्मिक मुद्दा था ही नहीं, इसमें बीफ का कोई इशू था ही नहीं, ये सीट के ऊपर से हुआ केवल झगड़ा था। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में कोर्ट ने ये बताया। क्या किसी लिबरल मीडिया ने या ये जो बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज जिनका नाम भी मैं नहीं जानता हूँ, पता नहीं, एक चेहरे मुझे याद है, ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स या लिबरल्स सो कॉल्ड जाकर नॉट इन माई नेम का झंडा लेकर खड़े थे और नफरत फैलाई थी देश के युवाओं के मन में, जहर घोला गया था, क्या उन्होंने इसके लिए माफी मांगी? इस ये कोर्ट का निर्णय आने के बाद में नहीं मांगी। और ये नफरत फैलाई ही क्यों गई थी आखिर, ये मॉब लिंचिंग की? मानता हूं एक दो जगह पर कोई ऐसी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन ऐसी झूठी खबरों को तैयार करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था? एक दो निगेटिव कोई बातें होती है, उसके अगेंस्ट में हजारों दूसरी निगेटिव बातें देश में हो रही है भाई, उनको आप पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हो। जो खबरें आपके एजेंडे को सूट करती है वही आप दिखाते हो, जो बातें आपके एजेंडे को सूट करती है उस एक घटना को लेकर आप फिल्में बना रहे हो बार 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 ऐसी, ये बहुत अति हो रहा है। अब चलिए इन बातों को हम छोड़ देते हैं, फिर से हम केदारनाथ इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। ये जो कुछ भी उन्होंने किया है, चलो वो तो अलग बात है ही,
लेकिन इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस भी साल के सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंसेस में से एक थे, खास करके जो एक्ट्रेस है सारा अली खान, उनकी जो एक्टिंग थी ना वो देखकर ऐसा लग रहा था मैं कब उठकर यहाँ से बाहर जाऊँ थिएटर से। मतलब इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग हद है यार ओवर एक्टिंग की भी। और जो सुशांत सिंह राजपूत है वो तो बस बस ऐसे लड़कियों की तरह शर्माने का काम पूरी फिल्म में कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म में कुछ भी नहीं किया। पूरी फिल्म में बस हम्बल लड़का दिखाना था ना उनको, पूरी फिल्म में बस वो अपनी हम्बलनेस दिखा रहे हैं बस झुक झुक कर। भाई क्या दिखाना चाहते हो आखिर, और इतना इरिटेट करने की ज़रूरत क्या थी ऑडियंस को? केदारनाथ में 2013 में जो कुछ भी हुआ वो इतना ज़्यादा दुखदाई था, इतना ज़्यादा संवेदनशील वो इशू था, उसके ऊपर वो कितनी बढ़िया फिल्म बना सकते थे। जो हम हॉलीवुड की जो ऐसी डिजास्टर फिल्म्स होती है उनमें जो बाढ़ आई है या ऐसे जो दृश्य हम देखते हैं, ऐसे रियल दृश्य हमें उस समय देखने को मिले थे इतने भयानक, तो इस इश्यू के ऊपर वो कितने क्या क्या नहीं बना सकते थे, कितना कितनी बढ़िया फिल्म बना सकते थे। कि उनको क्या दिखा, वही घिसी खिड़की खोल दी। चलिए तो उनको क्या दिखा, वही घिसी पिटी लव स्टोरी, वही हिंदू मुस्लिम धार्मिक इश्यूज जो पूरी तरीके से बायस्ड लगते हैं हमें, और बना दी उन्होंने एक वही पुरानी सी एक लव स्टोरी। कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नया करने की, नया सोचने की कुछ भी ऐसा हमें फिल्म में नज़र ही नहीं आता। अगर वीएफएक्स की बात करें तो पूरा रात के अंधेरे में ही उन्होंने वो बाढ़ दिखाई है, दिन का तो एक भी सीन फिल्म में है नहीं, एक रात में ही उन्होंने पूरा कर दिया है वो। और उसमें भी वो पानी काला 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 पानी, और कुछ जगहों पर तो ठीक लगता है वीएफएक्स, समय एकदम ख़राब है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उतना इम्प्रेसिव मुझे नहीं लगा वो बाढ़ का कोई भी वीएफएक्स। ठीक है बस ओके हम कह सकते हैं, बाकी केदारनाथ बहुत ही खूबसूरती से फिल्म में दिखाया है इसमें कोई शक नहीं। चलिए दोस्तों अब इससे ज़्यादा इस फिल्म के बारे में आपको क्या बताऊँ, बस एक ही बात कहूँगा, जैसे वो माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट ये फिल्म आई थी शाहरुख खान की, ऐसी एक फिल्म अभी बनाने की ज़रूरत है, आई एम अ हिंदू एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ये बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि मीडिया, बॉलीवुड, इंटेलेक्चुअल्स सब यही दिखा रहे हैं कि भाई हिंदू आतंकवादी है, भाई हमारे ऊपर भी एक फिल्म बना दो, आई एम अ हिंदू एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, प्लीज़ माफ़ कर दो यार, हम ऐसे नहीं हैं, हम नहीं चाहते नफरत फैलाना, कोई नफरत नहीं कर रहा है किसी से। हम तो उल्टा कह रहे हैं कि जो औरंगजेब रोड का नाम है उसे बदलकर आप दारा शिकोह रोड कर दीजिए, बुल्ले शाह जी का नाम दीजिए, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम दीजिए, जो सच्चे सेक्युलर है ना मुस्लिम भाई, भाई उनसे कोई नफरत करने का सवाल ही नहीं होता। आप इस देश का कट्टर से कट्टर हिंदू आप ले लीजिए, जो भी आपको लगता है ना कट्टर से कट्टर होगा, वो भी कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से या फिर दारा शिकोह से या फिर जो भी महान मुस्लिम समाज के ऐसे हुए जिन्होंने समाज को जोड़ने की कोशिश की, उनसे कभी भी कोई नफरत कर ही नहीं सकता। हाँ लेकिन अगर कोई कहे कि भाई औरंगजेब का ही समर्थन करना चाहिए, तो यार ये तो गलत है ना, जिन्होंने संभाजी महाराज जी को इतनी 40 दिन तक अनगिनत यातनाएं दी, गुरु तेग बहादुर जी का उन्होंने शीश काट कर चौराहे पर लटकाया था, भाई मतीदास जी के साथ में क्या किया था, ये सारी बातें क्या। और फिर भी अगर कोई कहे भाई औरंगजेब का नाम आप उसका समर्थन करो तो ये सही नहीं है। हाँ लेकिन जो भी भाईचारे की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, उनसे कोई नफरत कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई ये फिल्म देखने के लिए जाना चाहता है तो साथ में एक सरदर्द की गोली ज़रूर लेकर के जाना, क्योंकि इस फिल्म में सरदर्द के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं केदारनाथ इस फिल्म को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।